आदमी पार्टी ने निकाय चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी नेता रंजीत उप्पल, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष पद प्रत्याशी घनश्याम टगरा एवं पार्षद पद प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह सभाएं कर लोगों को उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी को कामयाब बनाया जा सके और इस निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। वार्ड नंबर 17 में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को मुख्य रूप से आप नेता रंजीत उप्पल ने एवं ईश्वर सिंह ने संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए रंजीत उप्पल ने कहा कि पूर्व में सरकारों ने कालका विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक नंबर विधानसभा कहे जाने वाले कालका में, जहां कालका महामाई का वास है और ऐतिहासिक स्थान भी है, हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। रंजीत उप्पल ने कहा कि जानी मानी HMT इंडस्ट्री को षड्यंत्र के तहत तबाह करके रख दिया। न केवल भविष्य में रोजगार की संभावनाएं खत्म कर दी, बल्कि जिन्होंने दिलो जान से इस फैक्ट्री के लिए काम किया, वह भी इंसाफ और हक मांगने के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं। आपके क्षेत्र सूरजपुर में ACC सीमेंट फैक्ट्री भी जानबूझकर खत्म की गई। आज आलम यह है कि बेरोजगार युवा नशे के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। रंजीत उप्पल ने कहा कि आम आदमी पार्टी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसलिए यदि आप लोग आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी घनश्याम टगरा एवं पार्षद पद प्रत्याशी मनीषा को जिताएंगे और आम आदमी पार्टी की निकाय में सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से न केवल पूरे कालका पिंजौर परिषद क्षेत्र का चहमुखी विकास हो पाएगा, बल्कि आम आदमी पार्टी आपके हितों की रक्षा करेगी। रंजीत उप्पल ने कहा कि आपके क्षेत्र में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। गरीब मजबूर आदमी पंचकुला सरकारी अस्पताल में धक्के खाते नजर आते हैं। यदि आपकी सरकार आई तो यह चिकित्सा सुविधाएं आपको आपके घर पर मोहल्ला क्लिनिक के जरिए उपलब्ध होंगी। वहीं ईश्वर सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बयान किया और आप प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ कैप्टन अमरजीत सिंह, मक्खन सिंह, पटवारी अमित एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हमेशा